श्राद्ध देव का एक बेटा हुआ और जो बेटी थी उसको मंत्र के द्वारा गुरु वशिष्ठ ने बेटा बना दिया। 9 दिन तक देवी भागवत यज्ञ करवाया, बेटी से बेटा बन गए, चमत्कार। तो जब बेटी थी तो उसका नाम इला था, बेटा बन गया तो नाम पड़ गया सुद्युम्न, और जब जवान हुआ तो घोड़ा में बैठ करके ये कैलाश पर्वत की ओर मृगा खेलने चला गया। ये जान नहीं रहा था ये जादू वाला जंगल है, यहाँ पुरुष नारी हो जाते हैं। शंकर भगवान ने उस जंगल में शराब दे दिया था, मुझे छोड़कर कोई भी पुरुष आएगा वो नारी हो जाएगा। वो नहीं जान रहा था शराब वाला जंगल है, और चक्कर में पड़ गया, सुद्युम्न नारी हो गया, इसका घोड़ा भी घोड़ी हो गई। अब वापस जाए तो जाए कैसे, गांव वाले कैसे मानेंगे, कोई बोले पुरुष होकर के खोखर आए रहे और यहां जाए तो नारी हो जाए, घर वाले घुसने देंगे क्या? चक्कर में पड़ गया तो बोला अब घरे नहीं जाऊंगा, जंगले में रहूंगा। अब एक सरोवर के पार पर बैठा था तो चंद्रमा का बेटा बुध आ गया, वो जान नहीं रहा था डुप्लीकेट नारी है, इसको देख के मोहित हो गया, और दोनों एक दूसरे को मोहित हो गए और दोनों को प्रेम प्यार हो गया। तो बुध ने कहा आप मेरे शादी करोगी? अब ये बोला चलो कम से कम कोई सहारा देने वाला तो मिल गया, जंगल में अकेले मर जाता। अब ये शादी कर लिया, शादी करके गर्भवती हो गया, गर्भ से एक बेटा भी दे दिया, उसका नाम पुरुरवा हो गया। तब इसको ध्यान आया, अरे मेरे माँ बाप तो मेरे को ढूंढ ढूंढ के मर गए होंगे। तो एक दिन ये नारी बने, बढ़िया साड़ी वाड़ी पहन के श्रृंगार करके गुरु वशिष्ठ के पास रात के समय पहुंच गया। गुरु जी उठे तो मैं जादू वाले जंगल में जा फंस गया, अब मैं नारी हो गया महाराज। तो गुरु वशिष्ठ आंख मुन के पता लगाए, हाँ सही में तुम सुद्युम्न है, शंकर भगवान के पूजा कर भारी जल्दी प्रसन्न होने वाले। तो सुद्युम्न ने शंकर भगवान का पूजा किया, शंकर भगवान दर्शन दिए। वरम वर विप्रेर से यत्ते मन शिवर्तते इति उस्तम प्रणेलाह पुष्पमर्थान मुनि। शंकर भगवान ने कहा वरदान मांग लो। तो बोला प्रभु मेरे पुरुष बना दो, मेरे माँ बाप भारी प्रसन्न है। शंकर भगवान ने कहा मैं खुदे पुरुष नहीं हूँ, मेरा आधा नर है और आधा नारी है, इसीलिए शंकर भगवान को अर्ध नारीश्वर कहा जाता है। जितने किन्नर है इन सब को शंकर भगवान का रूप माना जाता है, इसीलिए तो किन्नर को नाराज नहीं करते हैं, गाली खा के चटकन खा के पैसा दे देते हैं और पैसा निकाल लेते हैं किन्नर लोग। कितना बढ़िया हमारा सनातन संस्कृति है, यहाँ सबको देवी देवता का रूप माना जाता है, किसी को अपमानित नहीं किया जाता हमारे सनातन धर्म में। शंकर भगवान ने कहा मैं मेरे टाइप की आधा आधा बना देता हूँ, आधा पुरुष और आधा नारी। वो बोला नहीं नहीं लफड़ा है, इसे कपड़ा पहनने फिर परेशानी हो जाएगा, आप तो कपड़ा वपड़ा नहीं पहनते तो आपका लफड़ा ठीक हो जाता है। दूसरा उपाय तो शंकर भगवान ने कहा एक महीना पुरुष एक महीना नारी, हाँ ये चल जाएगा। तो एक महीना पुरुष बनता था तो अयोध्या का राजा बनता था, और एक महीना का नारी बनता था तो तीर्थ यात्रा निकल जाता था। अब एक महीना तक राज्य न चलाए तो प्रजा में हाहाकार मच जाता था। अब एक एक महीना चक्कर में इसका दिमाग खराब हो गया, गुरु वशिष्ठ बोला उससे बढ़िया नारी बना दो, लफड़ा में एक एक महीना कौन गिनती करते रहे, तो या पुरुष बनाओ या नारी बनाओ। तो गुरु वशिष्ठ ने कहा 5 बार देवी भागवत यज्ञ करवा पुरुष बन जाओगे। 5 बार देवी यज्ञ करवाया और देवी यज्ञ के प्रभाव से सुद्युम्न पुरुष बन गया, अयोध्या का राजा बना। कुछ समय के बाद अपने पुत्र पुरुरवा को राज्य अभिषेक करवाया, आदिशक्ति जगदम्बा के तपस्या करने के लिए जंगल पर चला गया।